तो यस यहां पे सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत। सौरभ बुल का प्रयास इस बीच गेंद के नीचे मिड विकेट टेरियर सर्कल के अंदर और पहली गेंद के ऊपर सफलता, बहुत ही बेहतरीन। देखिए इस मैच सेमीफाइनल मैच की जैसे ही शुरुआत हुई वहां पे बेहतरीन तरीके से पहली गेंद के ऊपर सफलता, पहला सेमीफाइनल मुकाबला महादेव 11 और वीडी वॉरियर 11 के बीच में। टॉस जीता है वीडी ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। कौन प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज बाय यह नव युवक पोकरा के द्वारा अच्छा आयोजन यहाँ पे साकार और सफल होने के मोड़ के ऊपर बहुत बेहतरीन लाजवाब परफॉर्मेंस। टाइम लिमिट प्रमाणे बेस्टमेन आवी जवानु होय छे, तो प्लीज ध्यान राखवा, एम्पायर तमने आउट आपी सके ध्यान राखजो। ए रूल्स सिस्टम प्रमाणे तमे वधारे वेट करशो तो अम्पायर सर तमने आउट करा दे सके छे। एटले विकेट पड़े त्यारे कोण आववानु होय एनु फाइनल करी राखवा माटे विनंती। थैंक यू। फिल्डिंग टीम ने 40 मिनिट नो समय आपे छे तो बेटिंग टीमे पण सहकार आपवा माटे विनंती। तमारो खूब खूब आभार। एज अ एनाउंसर करके बता रहा हूं, ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा। अच्छी गेंद, देखिए इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से थोड़ा दूर रखा, सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं, डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखो बिना विकेट के, बिना रन के विकेट चला गया था वीटी वॉरियर का। एक बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। पहला सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, टॉस जीता था वीटी वॉरियर ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। दूर रखा इस बीच सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई सड़ी नहीं, डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी, बेहतरीन गेंदबाजी। वाजिद ने पूरे टूर्नामेंट में सबको मोहित किया, उस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिली है। बहुत ही कूल एंड क्लाम, एकदम साइलेंट गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, उस प्रकार की गेंदबाज है। बहुत अच्छी गेंद, सीधी फिर से एक बार यहां पे विकेट कीपर के हाथों में गेंद प्रस्थान करती हुई, वहां से सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ एक रन की रन नहीं ले गया, डॉट गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था। उल्टा बल्ला, देखिए बनी तो बनी, नहीं तो सिंगम का गनी, प्रयास था बाहु का लेकिन संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद बहुत बेहतरीन तरीके से लेंथ और लाइन के साथ अच्छी गेंदबाजी। नवीन बाहु सर मेन एम्पायर की भूमिका में, जयदीप रावल स्क्वायर लेग के ऊपर, भावेश पटेल यूट्यूब ऑपरेटर कैमरामैन, उमेश पटेल और दीप हमारे साथ क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में, और प्रिंस और वहां पे सुजल हमारे साथ डीसी ऑपरेटिंग के रूप में जुड़ चुके हैं। और एलईडी स्क्रीन वहां पे शुरू हो चुकी है, क्रिएशन पीपल गबन एलईडी। अच्छी बैंगनर जी, फिर से एक बार देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैडन ओवर, सेमीफाइनल मुकाबला जिसमें पहला ओवर वाजिद का, वो भी मैडन विकेट ओवर, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन किफायती करिश्माई गेंदबाजी देखने को मिली। बल्लेबाज के चारों खाने चीत कर दिए मैडन ओवर के साथ अपने फील्डिंग के ऊपर। वाजिद वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। यस विनोद चावला गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला, और पारी की ओर से दूसरा ओवर कॉम्बॉक्स एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर यहां से बल्लेबाज के रूप में रिंग केस है।
अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया, इसमें इच्छा गली की दिशा में गेंद जा रही है, वहां पे जब तक फील करते थ्रो करने का प्रयास किया सिंगल रन। देखिए दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन जोड़ा, वो भी बल्ले का बाहरी किनारा, अभी तक सेंटर में गेंद आई नहीं है। बल्ले का और गेंद का जो संपर्क होता है और वहां पे जो एक आनंद मिलता है जिसे मिडास टच कहा जाता है, वो अभी तक मिडास टच मिला नहीं है बल्लेबाज को। बाउ स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर वहां से विनोद। बहुत अच्छा फ्लिक कर दिया, इसमें मिडास टच की बात की थी और गेंद स्क्वायर, लेकिन इस समय गेंद बाउंड लाइन के बाहर, चार रन के लिए चौके के साथ पांच रन एक विकेट। कट करने का प्रयास, देखिए गेंद इस बीच गुड लेंथ स्पॉट से सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई क्षण नहीं, डॉट गेंद, बेहतरीन तरीके से एक अच्छी गेंदबाजी। वाजिद चावला अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, एक चौका जरूर आया इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करवाई। पंच करने का प्रयास किया इस बीच, वहां थर्मेन की दिशा में गेंद गई है, जब तक फील करते वहां पर अंडर आर्म थ्रो किया जाए विकेट कीपर एंड के ऊपर। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन के साथ एक सिंगल रन जरूर लिया गया था। वीडी वॉरियर यहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर छह रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच कवर थर्डिया सर्कल के अंदर, बहुत बेहतरीन तरीके से जब तक वहां पे फील किया जाए थ्रो किया जाए, एक अच्छा सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। डॉट गेंद है, रन नहीं लिया गया, प्रयास किया था रन लेने का, बाय मिस्टेक। इस बीच यहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया था, पीछे खिलाड़ी जब तक फील करने का प्रयास करते गेंद जा चुकी थी बाउंड लाइन के बाहर चार रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वाइड यॉर्कर के ऊपर पंच किया और चौका, दो डिजिट में 10 रन। बहुत अच्छा शॉट इस बीच, वहां पे गेंद हवा में रही थी, जब तक व्हील करते थ्रो करने का प्रयास किया। बहुत अच्छी गेंद, देखिए फिर से एक बार यह विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई, डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत, 11 रन एक विकेट, दूसरा ओवर प्रगति, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर साजिद वाजिद का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी यहां से देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के ऊपर, पहला ओवर वाजिद ने मैदान ओवर किया था अपने कोटे का, दूसरा और पारी की ओर से तीसरा पावर प्ले के बाद कॉम्बॉक्स एंड की ओर से इस ओवर में काफी हद तक वापसी की है, 11 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के बाद। गेंद हवा में इस बीच है, लेकिन शायद नो मैन लैंड में गेंद टप्पा खाए कि थर्डिया सर्कल के अंदर या मिड ऑन के ऊपर, जब तक फील करते एक रन पूरा किया, सटीक थ्रो सीधा गेंदबाज की ओर, लार्ज हॉप थ्रो, सिंगल रन, 12 एक विकेट के बाद।
अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छी गेंद थी, इसमें जब फ्लिक करने का प्रयास किया था गेंद, जब तक वहां पे फील्ड करते और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास किया। 12 रन अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान के बाद वीडी वॉरियर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लाजवाब गेंदबाजी अब तक देखने को मिली। वाजिद ने 2 ओवर में 1 मेडन ओवर, 2 रन, 1 सफलता, 1 की इकोनॉमी। देखिए बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी, वो कहते हैं ना यहाँ पे उसकी गेंदबाजी में मैजिक भी था लॉजिक भी था। मैजिक समझना पड़ता है और लॉजिक कभी समझ में नहीं आता। उस प्रकार की गेंदबाजी बेहतरीन तरीके से अपनी टीम के लिए, महादेव इलेवन के लिए फिर से फील्डिंग के ऊपर। अब इस बीच कवर के ऊपर सीधी हाथ में ड्रॉप चांस। देखिए कवर के ऊपर वहां पे गेंद लहराई थी, प्रयास किया था, जंप किया था, लेकिन ड्रॉप हुआ। 13 के ऊपर दूसरा झटका लग सकता था, लेकिन 1 रन पूरा किया। 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रहा। 13 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के बाद ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। कट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधी इस बीच विकेट कीपर के पास चली गई। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। 14 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद फिर से एक बार अच्छी गेंद, देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया, सीधा विकेट कीपर के पास गेंद चली गई। एक बिंदी गेंद के साथ वीडी वॉरियर यहां पे थोड़ी सी दुविधा महसूस करती हुई, और खास करके बाहु ने 12 गेंद का सामना किया, अब तक 6 रन बनाए जिसमें एक चौका शामिल, और 50 का स्ट्राइक रेट है। जो स्ट्राइक रेट है उसको 3 डिजिट में ले जाना पड़ेगा अगर स्कोर को सम्मानजनक करके ऊपर ले जाना, तो 50 का है। फिर से एक अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद वहां पे, लेकिन विकेट कीपर थोड़े से लड़खड़ाए। नतीजा एक सिंगल रन बाई के रूप में, एक अतिरिक्त रन जरूर जोड़ा गया। अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। 15 रन बन चुके हैं। ऑफ स्टंप के ऊपर सीधा बॉडी से काफी दूर रखा, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। 16 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करें तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। गेंदबाज में कैच का कॉल है, इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑन बीट विकेट के बीच में पीछे बहुत अच्छा कैच। देखिए वहां पे कोई गलती नहीं हुई, काव कॉर्नर के ऊपर अच्छा कैच और विकेट नंबर दूसरा का पतन हुआ और बेहतरीन तरीके से सफलता हासिल की। वीटी वॉरियर को लगने वाला झटका नंबर दूसरा। गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। जई ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, सफलता जरूर निकाली। 3 रन दिए इस ओवर में और 1 सफलता। लेंथ और लाइन के साथ अच्छी वापसी।
गेंदबाज इस बीच वहां पे काव कॉर्नर के ऊपर से छह रन के लिए बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लॉफ्ट कर दिया जय ने, छह के साथ अपना अकाउंट ओपन किया 22 रन एक विकेट के बाद। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया इस बीच, वहां पे जब तक फील्ड करते एक रन पूरा किया, बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन सिंगल के साथ एक रन जरूर जोड़ा जाएगा और एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 23 रन दो विकेट के नुकसान के बाद चार ओवर की समाप्ति 23 रन दो विकेट के नुकसान के बाद वीडी वॉरियर 11 स्टडी टाइम आउट है, पानी पीना है तो पी सकते हो। पहले चार ओवर की समाप्ति 23 रन बने, अब दूसरे चार ओवर में कितने जोड़ेंगे। बल्ले का किनारा, देखिए विकेट कीपर वहां पे गेंद को गिदर किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सट्री नहीं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां से देखने को मिल रही है संजय हरपति गेंदबाजी के ऊपर। वहां से अजय तीन गेंदों के ऊपर 7 रन बनाकर अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर जिंदाबाद बाबू अभी भी मौजूद है 13 गेंद 6 रन। इसमें संपर्क हुआ है सड़म बोल और पावरफुल स्क्वायर के ऊपर 6 रन के लिए, 6 के साथ 29 रन दो विकेट के नुकसान के बाद 29। यहां से पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर है, संजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहुत अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर, इस बीच विकेट कीपर को बीट किया लेकिन वहां पे संपर्क हुआ नहीं, फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, सिंगल के साथ डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी 29 रन दो विकेट के नुकसान के बाद। बहुत अच्छी गेंद, देखिए क्या गेंदबाजी, इस बीच लेंथ और लाइन के साथ थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया, जब तक वहां पे फील्ड करने का प्रयास करते बेहतरीन तरीके से एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट देखने को मिला, बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा फील्डिंग 29 रन दो विकेट के नुकसान के बाद।
डाउन द ग्राउंड खेला, इस बीच वहां पे अच्छा फील किया जाएगा, मिड विकेट के ऊपर रन लेने का प्रयास भी होगा लेकिन रन पूरा नहीं करेंगे। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन, बहुत अच्छा रनिंग, सिंगल रन, सिंगल से तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सिंगल के लिए तो उन लोगों ने खुला छोड़ा है। हवाई फायर नहीं होना चाहिए, बड़ी हिट नहीं आनी चाहिए। 30 रन दो विकेट के बाद ओवर नंबर पांचवा। बॉल अच्छी गेंद, फिर से एक बार सौ सुनार की एक लोहर की चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी, बेहतरीन तरीके से लेंथ और लाइन के साथ वापसी करता हुआ, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पांच ओवर के बाद 30 रन दो विकेट के नुकसान के बाद यहां से विडी वॉरियर। पांच ओवर की समाप्ति हुई, 30 रन बने तीन विकेट के नुकसान के बाद। पिछली गेंद के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से विकेट कीपर के ऊपर से एक अच्छा रनआउट के रूप में बाऊ पेवेलियन की ओर जा चुका है। अब छठे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अब विशाल ने प्रस्थान कर लिया है अपने डगआउट की ओर से, बहुत ही बेहतरीन। अभी ताबड़तोब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 30 रन है, 5.5 की इकरण रन से रन बनाने का प्रयास करते हुए वीडी वॉरियर के बल्लेबाज। देखिए बहुत ही बेहतरीन, देखिए एक्सपोज किया था, वो कहते हैं ना पिछला दरवाजा खुला करोगे तो चोर चोरी करके चला जाएगा, वो सनी देव में चोरी नहीं होती, यहां पे बोल्ड आउट किया, एक्सपोज कर दिया था और बोल्ड आउट। बहुत अच्छी गेंद थी, डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्गर डीप बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक वहां पे फील करने का प्रयास किया, सीधा थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर और एक रन पूरा कर चुके थे, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे गेंद जा रही है, इस बीच वहां पे जब तक अपील करते एक मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए विनोद चावला क्या एफर्टलेस, क्या स्प्रिंटरनेस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए थ्रो थोड़ा सा ऑकवर्ड आया था जिसको अच्छा गेदर किया। 32 रन चार विकेट के नुकसान के बाद 32।
पछि ज्ञान थी। इस बीच शॉर्ट थर्ड बैंड के ऊपर गली की दिशा में ज्ञान ट्रैवल होती है। देखिए गली में मचा शोर, शहर की गली, गांव की गली, दुनिया की गली, सबको पसंद गली, वहां पे ज्ञान गई चार रन के लिए अच्छा चौका। और विनोद चावला अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अच्छी गेंद, जड़ वाली गेंद देखिए अपने फॉलो थ्रो में फील कर दिया। इस बीच कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद के साथ अच्छी वापसी, एक एक बिंदी गेंद। विटी वॉरियर का जो हार्ट बीट है उसका प्रेशर बढ़ता हुआ, क्योंकि जितने कम रन बनेंगे तो मैच उतना ही दूर वहां से जाएगा। 6 ओवर 36 रन 4 विकेट, लेकिन टेनिस क्रिकेट है, यहां से हर प्रेडिक्शन फेल है, कभी भी बाजी बदल सकती है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला यहां से महादेव इलेवन और वीटी वॉरियर के बीच में, टॉस सीटा बैटिंग करने का फैसला किया था वीटी वॉरियर ने, और अब तक यहां जो कैप्टन का फैसला है उसके पास बल्लेबाज का जो सहकार मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है अब तक। गेंदबाजी के ऊपर महादेव हावी हो चुके हैं। चालीस मिनट वाला रूल्स याद रखिएगा। बहुत अच्छी गेंद, गोजेंडर इस बीच सीधा बल्ले के नीचे से विकेट कीपर के पास, नाइस कैरी विकेट कीपिंग विद कंफर्टेबल हाइट, बेहतरीन तरीके से गेंद को घेर किया, डॉट गेंद के साथ अच्छी सफलता। संजय अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से सातवां यानी कि पेन अल्टीमेट ओवर करने के लिए तैयार है। तीर से बल्ले से सीधा शॉट, आखिरी वक्त के ऊपर गेंद ट्रैवल हुई 6 रन के लिए, 6 के 7 42 रन 42। गेंदबाजी में इस बीच वहां पे नो गेंद का कॉल है स्क्वायर लेग के ऊपर। देखिए इस बीच सडम पुल कर दिया, गेंद जा रही है इस बीच मिस वाले के ऊपर से सीधी 6 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर और 6 के 7 स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से वेलकम 50, 50 रन पूरे हुए 4 विकेट के नुकसान के बाद, 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। यस गेंदबाज तैयार, फिर से संजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, 50 रन बन चुके, 7वां ओवर प्रगति के ऊपर। अजय ने 13 गेंदों पे ओवर 29 बना लिया, 4 सिक्सर चढ़ चुका है अजय, अच्छी बल्लेबाजी आने के बाद पिंच हिटर का काम किया। बहुत अच्छी गेंद देखिए थर्ड मैन के ऊपर, गेंद को रोका गया, सीधा थ्रो हुआ विकेट कीपर के ऊपर, लेकिन वहां से रन पूरा किया गया सिंगल के साथ, 51 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 51। देखिए वीपी शूटर के हमारे शूटर आ चुके हैं ड्रोन कैमरा लेके, अब आप लोगों का जो भी क्लिप है वहां पे शूट किया जाएगा और उसको यूट्यूब के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डाला जाएगा। बहुत अच्छी गेंद देखिए इस बीच यहां पे 1 रन पूरा किया,
बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच बहुत ही बेहतरीन देखिए वीपी शूटर का यहाँ पे ड्रोन कैमरा ग्राउंड के ऊपर प्रस्थान करते हुए देखिए उसे कैप्चर किया है हमारे कैमरामैन उमेश ने। वीपी शूटर ड्रोन के जरिए ये मुकाबले को यहाँ पे कुछ यादगार मोमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है बेहतरीन तरीके से, और उसमें बहुत अच्छा काम करते हुए विमर्श और जील पटेल, और उसके साथ पीआर स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर आप लाइव प्रसारण एलईडी स्क्रीन के ऊपर अपने घर के ऊपर मोबाइल के साथ स्मार्ट टीवी के साथ मोबाइल को कनेक्ट करते हुए आप जुड़ चुके हमारे साथ। तो सभी जनमेदी का मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान हार्दिक स्वागत करता हूं, थैंक यू। 7 ओवर 51 रन 4 विकेट 7.5 का 7.25 का करन रन चलता हुआ अब आखिरी ओवर जय यानी कि अल्टीमेट ओवर जिसे कहा जाता है स्लॉग ओवर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर अजय वाइड बॉल एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन 52 चार विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करें तो यहां से 8वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है लेकिन वाइड के साथ फुल टॉस गेंद थी इस बीच बल्ले का अंदरूनी किनारा देखिए बहुत अच्छा मौका जरूर बना था लेकिन उसके ऊपर अंदरूनी किनारा लिया किस्मत के धनी रहे यहां से जय ऐसा हो तो चलेगा। बहुत अच्छी गेंद क्या गेंद डाली इस बीच वहां पे देखिए स्क्वेले के एम्पायर ने रोका है आपको रन काउंट नहीं किया जाएगा रन काउंट नहीं किया जाएगा गेंद काउंट की जाएगी यहां पे पैडिंग हुआ था यस सर। देखिए रन काउंट नहीं किया जाएगा ओनली गेंद काउंट की जाएगी बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारे क्वालिफाई एम्पायर नवीन बाउसार स्क्वायर लेग के ऊपर मेन एम्पायर में चैदीप रावल यहां पे अगर पैडिंग करोगे तो वो रन काउंट नहीं किए जाते। चौवन रन इस बीच चार विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करें तो यहां से 8वां ओवर प्रगति के ऊपर है गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जय गेंदवा में नहीं पहुंच पाएंगे जय गए थे लेकिन एक सिंगल मिलेगा देखिए दूसरे के लिए पलटवार क्या है रन आउट गिवन हिम आउट गिवन हिम आउट यहां से रन आउट के रूप में दामन छूटा क्रीज से नाता टूटा विकेट नंबर 5वां वीडी वॉरियर यहां पे दूसरा रन लेना चाहते थे यानी कि रन आउट के रूप में किस प्रकार से देखो थ्रो हुआ और रन आउट हुआ सत्तावन रन बने हैं इस बीच अब 8वें ओवर की आखिरी गेंद है थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है अब सेकंड इनिंग में बल्लेबाज किस प्रकार का रुख दिखाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा लेकिन आखिरी गेंद लॉग ऑफ की दिशा में खेला गया वहां पे संजू है एक रन पूरा किया दूसरे के लिए पलटवार किया विकेट कीपर इनके ऊपर थ्रो हुआ
और वहां पे रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन हुआ। संजू का थ्रो विकेट कीपर का सहारा और एक रन यानी कि 58 रन बढ़े अब जीतने के लिए 59 रन का टारगेट। अगले मैच का टॉस पृथ्वी चैलेंजर और फ्रेंड्स इलेवन, पृथ्वी चैलेंजर फ्रेंड्स इलेवन टॉस के लिए आइए। भाई टॉस माटे लास्ट एंड फाइनल कॉल पृथ्वी चैलेंजर अने फ्रेंड्स इलेवन टॉस माटे। पृथ्वी चैलेंजर गेंदबाज यहां पे तैयार टॉस होने जा रहे हैं अगले मुकाबले का। फील्डिंग टीम जल्दी जाइए और बल्लेबाज जल्दी पहुंचिए, दोनों बल्लेबाज जल्दी पहुंचेंगे, दोनों बल्लेबाज जल्दी पहुंचने। कौन टॉस जीतू व्हाइट के साथ यहां से शुरुआत होगी। देखिए पहला रन यहां पर व्हाइट के रूप में जुड़ा, अतिरिक्त रन महंगा पड़ सकता है, वैसे तो लो स्कोरिंग मैच है उसमें अतिरिक्त जाएगा तो ये कभी कभी महंगा पड़ सकता है। विनेत विनोद और देनिस एक और व्हाइट, देखिए यहां पे दो रन बिना रन के बिना गेंद के दो रन जुड़ चुके हैं व्हाइट के रूप में। विनोद और अधिनेश प्रारंभ करने के लिए आए हैं रिंग के गेंदबाजी के ऊपर। हल्के हाथों से सम्मान दिया इस बीच कवर के ऊपर जब तक वहां पे फील करते एक रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ एक रन जोड़ा गया बल्ले का पहला रन, उसके पहले व्हाइट का दो जुड़ा था यानी तीन रन बन चुके हैं महादेव इलेवन।
ड्राइव कर दिया इस बीच यहाँ कवर की दिशा में पीछे वाइड लॉग ऑफ का खिलाड़ी जब तक फील करते एक रन पूरा किया वैसे दूसरे की कोई गुंजाइश है नहीं। सिंगल के साथ एक रन जोड़ा जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर चार रन बन चुके हैं महादेव इलेवन। पहला ओवर प्रगति के ऊपर विनोद चावला और दिनेश चंडेल खिलाड़ी के बीच में से गया डबल होती बहुत ही रफ्तार के साथ चौका चमिन के सहारे नजरों के नीचे चौका। बहुत अच्छा ड्राइव इस बीच कवर थर्ड सर्कल के अंदर जब तक फील करते एक रन पूरा किया। सिंगल के साथ एक रन जोड़ा जाएगा एक सूझबूझ के साथ। देखिए खराब गेंद के ऊपर चौका उसके बाद अच्छी गेंद के ऊपर कवर के ऊपर सिंगल रन नौ रन के ऊपर पहुंचा दिया। लो स्कोरिंग मैच है बखूबी जानते हैं यहाँ पे जमीन के सहारे खेलेंगे तो जीत जाएंगे उसी के हिसाब से बल्लेबाजी। देखिए यहाँ अगर वीडी वॉरियर को फील्डिंग की बात की जाए जो थर्टिया सर्कल के एज के ऊपर खड़े हैं वहां पे नहीं या सिंगल के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा रन बचाना है तो एम एस धोनी और रिकी पॉन्टिंग वाली फील्डिंग का माइंड सेट करना पड़ेगा क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है। सिंगल बचाओगे तो मैच बचेगा लेकिन थर्टिया सर्कल एज के ऊपर नहीं बचेगा। अच्छी गेंद देखिए इस बीच वाइड यॉर्कर सीधा विकेट कीपर के पास बेहतरीन तरीके से ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में नौ रन जोड़े गए लाजवाब बल्लेबाजी की गई दोनों बल्लेबाज द्वारा दिनेश और वहां पे विनोद ने छह गेंदों पर नौ रन की पार्टनरशिप। रिंकेश ने एक ओवर में नौ रन दिए। बहुत अच्छा क्या शॉट खेला क्या इंप्रोवाइजेशन किया सीधा स्क्वायर के ऊपर गेंदबाज के पास मौका था देखने का उस प्रकार का शॉट सिक्सर के साथ स्वागत हुआ वहां से विशाल का 15 रन महादेव इलेवन। फुल टॉस गेंद अंडरग्राउंड खेला इस बीच मिड विकेट के बीच में वहां से बहुत अच्छा फील किया। देखिए ड्राइव किया देखिए वैसे वहां ग्रास नहीं है थोड़ी सी फिसलन होती है तो थोड़ी इंजरी तो जरूर होती है लेकिन क्या करे अब मैच है वो भी सेमीफाइनल वाला फील तो करना पड़ेगा। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच वहां स्क्वायर लेग थर्ड या सर्कल के अंदर बहुत अच्छा थ्रो सीधा नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर लेकिन एक रन पूरा कर चुके थे सटीक थ्रो किया गया था 17 रन विदाउट लॉस महादेव 11। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। बहुत अच्छा शॉट देखिए इस बीच फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन था जिसका फायदा उठाया। देखिए 1799 में जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो फील्डिंग के लिए कोई रूल्स बना नहीं था बल्लेबाज के लिए रूल्स था और गेंदबाज के लिए रूल्स था। 1978 की बात है वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच में एक मुकाबला चल रहा था वहां वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए 10 या 11 रन चाहिए थे तो इंग्लैंड के कप्तान ने गेंदबाज के सिवा सभी खिलाड़ी को बाउंड लाइन के ऊपर तैनात किया था 10 खिलाड़ी को और वेस्टइंडीज 6 रन से मुकाबला हारी थी। तब क्रिकेट बोर्ड को ऐसा लगा था कि फील्डिंग का रूल्स होना चाहिए तब से फील्डिंग के रूल्स आए तो यहां पे फील्डिंग का रूल्स था यानी कि थर्ड या सर्कल के अंदर फील्डर उसके ऊपर से शॉट खेला ये पहला रूल्स तब बना था। कट कर दिया इस बीच बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जब तक फील करते सीधा थ्रो विकेट कीपर एंड के ऊपर सिंगल रन सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन विदाउट लॉस ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। उसके बाद बहुत सारे रूल्स आए
19 की साल में पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले, बहुत सारे रूल्स लागू किए गए फील्डिंग के लिए। बहुत अच्छी गेंद इस बीच वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास था, डॉट गेंद के साथ वापसी। दो ओवर पावर प्ले के खत्म हुए, 22 रन बना विदाउट लॉस महादेव इलेवन। आने वाली 36 गेंदों में 37 रन चाहिए, 36 बॉल में 37 रन जोइए मैच जीतवा माटे। सीधु और साधु समीकरण बन्ने टीम माटे, केवी रीतना बॉलिंग करी सको, केवी रीतना बैटिंग करी सको, ने कहां फील्डिंग राखी सको। रिकी पॉन्डिंग, एमएस धोनी वाली फील्डिंग चाहिए सिंगल बचाने के लिए वीटी वॉरियर को, अगर यहां से डिफेंड करना है तो। लॉन के ऊपर सीधा जंप किया, देखिए दो क्या वर्फन सटकार, अपने सर के ऊपर से हेलो बोलकर गई थी गेंद 6 रन के लिए। हेलो सिक्सर, ड्राइव कर दिया इस बीच कवर के ऊपर, जब तक फील करते सिंगल रन, सिंगल रन। देखिए जब से महादेव बल्लेबाजी के ऊपर आई है, कभी चौका लगाया उसके बाद सिंगल लिया, कभी सिक्सर लगाया उसके बाद सिंगल लिया, यानी कि स्ट्राइक रोटेट किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, स्ट्राइक को रोटेट किया। 29 रन विदाउट लॉस महादेव। हल्के हाथों से ऑन ड्राइव कर दिया इस बीच पीछे खिलाड़ी, जब तक वहां पे फील करते सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी जिस हिसाब से गेंदबाजी चल रही है, यहां से 30 रन बन चुके हैं। बहुत बेहतरीन टैप किया, देखिए कवर और पॉइंट के बीच में, कवर और पॉइंट के बीच में खिलवाड़ किया जा रहा है यहां गेंदबाज के साथ, फील्डिंग के साथ, महादेव के बल्लेबाज के जरिए जहां चाहे जिस तरह से चाहे रन बनाने का प्रयास करते हुए। सिंगल बचाना पड़ेगा, गुडलेन स्पॉट यहां पकड़ना पड़ेगा गेंदबाज को रिंग के शब्द बॉलिंग मार्क के ऊपर। तीसरे बल्ले सीधा शॉट, इस बीच कैच का प्रयास लेकिन ड्रॉप चांस, कैचिस विन द मैचेस बट ड्रॉप चांस, अब करे भी तो क्या करे। वैसे देखा जाए तो वहां पे हाफ चांस था, लेकिन हाफ चांस को कन्वर्ट करना पड़ता है फुल चांस में, उस प्रकार का माहौल था। बहुत अच्छी गेंद, देखिए ये वाली गेंद ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, यहां पे रन बनाने की चेष्टा को खारिज किया। 3 ओवर 32 रन, 30 गेंदों में 27 चाहिए, 30 गेंद 27 रन, और दोनों खिलाड़ी यहां पे विनोद और दिनेश के बीच में 18 गेंदों में 32 रन की पार्टनरशिप, इसमें विनोद 26 रन और दिनेश 4 रन, या 2 ओवर की रिंकेश ने 19 रन, ये 9.5 की इकोनॉमी। टैप करने का प्रयास किया, जब तक वहां पे कवर के ऊपर फील करते 1 रन पूरा किया, थोड़ी सी मिसफील, एक ले लिया है, एक आराम से पूरा कर लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर, 33 रन विदाउट लॉस, चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अब यहां से गेंदबाज तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, परिवर्तन के तौर के ऊपर अजय, अनहोनी को होनी में तब्दील करना पड़ेगा अजय को, अब कर पाएंगे या नहीं। समय मिला और हुक कर दिया लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद ट्रैवल होगी और वहां पे खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे वहां पे बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन के साथ 2 रन पूरे करेंगे, हल्का सा फ्लिक और 2 रन। राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए थे इस बीच अजय, लेकिन एक अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला स्क्वायर लेग के ऊपर, अजय डीप रावल खड़े है उसकी ओर खेला गया था। ए वाली गेंद बहुत बेहतरीन, देखिए ऐसे क्रिकेट की भाषा में परफ्यूम गेंद कहा जाता है। अब आप देख सकते हो, अगर किसी ने नहीं देखा तो एक बार रिप्ले जरूर देखिए,
अपने मुंह के पास से ज्ञान की खुशबू आई, उस प्रकार से ज्ञान वहां से डिलीवर हुई। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से। ड्रॉप चांस, देखिए ड्रॉप चांस, मौका 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 सबको मिलेगा। देखिए मौका सबको मिलता है, जब तालाब में पानी भरता है तो चींटी को मछली खाती है, और पानी जब सूख जाता है तो मछली को चींटी खाती है, उस प्रकार का माहौल है। लेकिन सही समय पे सही जो मौका है उसका फायदा उठाना पड़ता है। तो इसमें देखा जाए तो कैच था, लेकिन थोड़ा सा हाफ चांस था, लेकिन ड्रॉप चांस 35 रन। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद चली गई। गेंदबाज यहां पे कैच किया, कैच किया, सफलता सफलता। बार फिर से एक बार यहां पर ड्रॉप चांस, ड्रॉप चांस। देखिए मौका मिला था लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए। कैनवा में इस बीच वहां पे थर्ड या सर्कल के ऊपर नो बैड लाइन रन पूरा किया। ड्राइव किया, बहुत अच्छा शॉट किया, शॉट खेला कवर की दिशा में, जब तक फील करते
लाइट ना थांभला ज्यां पण छे त्यां कोईए बेसवानुं नथी, प्लीज दूर बेसजो। इलेक्ट्रिक सप्लाय छे, करंट लागी सके छे, जानहानि थई सके छे, एना माटे मेनेजमेंट जवाबदारी कोई लेशे नहीं। अने ए आपणा कोईना रिलेशन सगावाला थता नथी, कोईने ओळखती नथी इलेक्ट्रिक सप्लाय, तो प्लीज थांभलाथी थोड़ा दूर बेसजो, बहु जगह छे ग्राउंड उपर। थैंक यू, तमारो सौनो आभार सहकार आपवा बदल। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, मिड विकेट की बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे बहुत रफ्तार के साथ फील करने के लिए गेंद के ऊपर जरूर छपटे, लेकिन सिंगल रन, सिंगल के साथ एक रन जोड़ा जाएगा। अब एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अभी भी 20 रन चाहिए। दिव्य स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर इस पर विशाल, बहुत अच्छी गेंद थी। देखिए इस बीच बल्ला जरूर चला लेकिन जमीन के सहारे इसका, लेकिन इस जमीन गई थोड़ी सी मिस फील, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री। आजकल तो सुपर स्टोर में वो स्कीम आ चुकी है, पहले मॉल में चला करती थी, आजकल क्रिकेट में भी देखने को मिलती है। जैसे ही मिस फील होती है बाय वन गेट वन फ्री, एक के ऊपर एक फ्री में रन मिल जाता है और बल्लेबाज कभी गलती नहीं करते। 43 लॉस ऑफ वन विकेट, फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छा शॉट उड़ती हुई गई 6 रन के लिए, मिड विकेट के ऊपर से सिक्सर। अठारह गेंद 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। गेंदबाजी यहां से अजय तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन इस मैच, बहुत ही डिपिंग कैच था, नीचे की ओर गेंद जा रही थी जिसके ऊपर कैच करना अपने आप में एक महानता कही जाती है। उस प्रकार का कैच हमें जरूर देखने को मिला, बहुत बेहतरीन तरीके से एक लाजवाब कैच का परफॉर्मेंस और विकेट का पतन हुआ। गेंदबाज तैयार उपेश स्ट्राइक के ऊपर, अच्छा शॉट, फिर से कैच का कॉल और बहुत ही बेहतरीन बैक टू बैक दो गेंद। देखिए बहुत ही बेहतरीन मैच में, वहां से थोड़ी सी चान आती हुई यहां पे बहुत बेहतरीन अच्छा कैच जरूर देखने को मिला, विकेट का पतन हुआ। देखिए दो गेंदों के ऊपर दो सफलता मिल चुकी है यहाँ पे, बहुत बेहतरीन तरीके से लाजवाब गेंदबाजी करने का प्रयास किया। गेंदबाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, हैट्रिक होगा क्या यहाँ पे, एक हैट्रिक विकेट करने वाले गेंदबाज जरूर बने थे, अब दूसरा हैट्रिक होगा क्या। विकास नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे पहुंच चुके हैं, 16 गेंदों में 10 चाहिए, 16 गेंद 10 रन विकास स्ट्राइक के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी इस बीच, गुड लेंथ फॉर से गेंद उठी और सीधा विकेट कीपर के पास, बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ।
सिंगल रन पूरा किया था। स्ट्राइक एंड के पत्थर हुआ लेकिन सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से 50 रन पूरे हुए 3 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर प्रगति के ऊपर 14 गेंदों में 9 रन चाहिए। 14 बॉल में 9 रन जोइए छे मैच जीतवा माटे अने आ समीकरण बन्ने टीम माटे छे केवी रीतना फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग करी शकाय। 14 बॉल अने 9 रन महादेव 11 रिक्वायर्ड 9 रन इन 14 बॉल्स। यहाँ पे गेंदबाज तैयार है कॉम्बॉक्स एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर स्पीच है दिवस है 3 गेंदों के ऊपर 9 रन 1 सिक्सर के साथ 300 का स्ट्राइक रेट। अच्छा शॉट सीधे बल्ले से सीधा इस बीच वहां पे बहुत अच्छा फील्डिंग क्या स्प्रिंटरनेस दिखाया क्या बेहतरीन डिफ्लेक्शन क्या एंटीसिपेशन एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट और अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। देखिए पैसे बचाना चाहिए इज्जत बचानी चाहिए पानी भी बचाना चाहिए और सेमीफाइनल मैच है रन तो बचाना पड़ेगा वही काम किया बहुत अच्छा फील्डिंग एफर्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर। बहुत अच्छा शॉट इस मैच डाउन द ग्राउंड मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर थोड़ी सी मिस फील एक रन दूसरा नहीं मिलेगा दूसरे के लिए पलटवार किया यस गिवन हिम आउट वहां पे रन आउट। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से 12 गेंदों में 7 रन चाहिए 12 गेंद 7 रन बाएं हाथ के खिलाड़ी जय पटेल वहां पे पहुंच चुके हैं। अब ए ओवर में अंजाम आएगा या अगले ओवर में जाएगा परिल गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से इस बीच 7वां ओवर यानी कि पेन अल्टीमेट ओवर यानी 7वां ओवर। हल्के हाथों से देखिए इस बीच नजाकत दिखाई गली की दिशा में खेला गया था शॉट वहां से सिंगल रन पूरा करेंगे सिंगल के साथ 1 रन पूरा किया और यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन 53 लॉस ऑफ 4 विकेट 7th ओवर प्रोग्रेस कॉम्बॉक्स एंड क्योर से महादेव 11 बना विटी वॉरियर 11। अब यहां से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से स्ट्राइक के ऊपर वहां से विकास और इसमें इसका खेला और 6 के साथ यहां एमएस धोनी वाला रोल अदा किया। एमएस धोनी ने 17 बार सिक्सर मार के मैच को जीता था आज यहां पे जीता दिया है वहां पे विकास ने। देखिए आज एमएस धोनी का मैच भी है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस छा गए फाइनल में प्रवेश कर लिया लाजवाब बल्लेबाजी।